Second year students, how are you all? So let's start today our computer subject, lesson number 1, part 3 of lesson 1, on page number 5. So computers are used in various places. So already we did in the last class, and today more we are going to see in offices. Computers are used in offices for the following purposes. First one, make and keep record of office documents. Second one, maintain employees personal and salary record. So computer है वो office में use किया जाता है कि office में जो work होते हैं उसके record के form में या जो office के document है वो save कर सकते हैं हम कभी भी ज़रूर हो तो. And employee जो वहाँ पे work करते हैं employee, तो उनका personal information, उनकी salary, पूरा उनका record. Third one, communicate important information through email. इंटरनेट कनेक्ट करके आप अपनी कंपनी और दूसरी कंपनी के साथ जब वर्क करते हो तो मेल से आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो. टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट. ऑब्वियसली ऑफिस का वर्क है तो कुछ प्रिंट आउट भी ज़रूर पड़ती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, सो यू कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर दैट. नेक्स्ट इन लाइब्रेरी. अब ऑफिस में तो काफ़ी यूज़ होता है, लाइब्रेरी में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का. सो इन लाइब्रेरीज कंप्यूटर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लाइब्रेरीज इन द फॉलोइंग वेज. First one, computer are most often used to get access to a library's book database. एक तो list of book के library में कौन सी book है. A library's computerized book database makes it easier to keep record of books issued and written. दूसरा है कि वहाँ पर आप एक list बना सकते हो कि किसने book लिया, किसने कौन सी book written की, कब लिया, तो overall उसके related आप एक record भी वहाँ पर save कर सकते हो, तो वो है सेफ रहता है एंड नीट एंड क्लीन वर्क रहता है. सम लाइब्रेरीज अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम देयर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस. कुछ आप सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसा होता है, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी भी होती है. तो इंटरनेट फैसिलिटी इसलिए होती है कि आपको कोई बुक सर्च करनी है उसके रिलेटेड कुछ आपको चाहिए इंस्ट्रक्शन सॉरी इंफॉर्मेशन, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो. वो भी लाइब्रेरी में फैसिलिटी अवेलेबल होती है. तो कंप्यूटर है वो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का वर्क और प्लस जो आते हैं वहाँ पे उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है. नाउ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम स्मॉल एरर्स और miscalculations can create serious problems. Computer provide fast, accurate and flexible ways of handling data. तो जहाँ पर research होता है, ओके, तो research के time पर क्या होता है, कुछ ऐसे errors होते हैं coding जब बनाते program coding, तो वहाँ पर कुछ calculation में कुछ mistake है जो problem create कर रहा है, तो computer है वो helpful रहता है कि हमारा work fast और perfect work होता है, और जहाँ पे एरर है वो हम इजीली देख के उसको जो करेक्ट करके अपना वर्क कर सकते हैं. कंप्यूटर्स हेल्प इन रिसर्च एंड इन्वेंशन. कुछ आप रिसर्च करते हो तो कुछ आपको नया सर्च करना है तो रिसर्च के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर का. दे हेल्प इन लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, मेकिंग डिफरेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, वेदर फोरकास्टिंग एंड मैनी मोर सच साइंटिफिक एक्टिविटीज. अब एक साइंटिस्ट है वो तो करता ही है, लेकिन कंप्यूटर का यूज़ ऐसे भी होता है कि अभी वेदर कैसा है तो वो भी आप जान सकते हो उस टाइम पे. तो काफ़ी कुछ यूजेज है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी वे में कंप्यूटर. ओके, सो नाउ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज. डिज़ाइनिंग. कंप्यूटर काफ़ी फील्ड में हेल्पफुल है, लेकिन डिज़ाइनिंग में कैसे, इंजीनियरिंग में कैसे. तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग आप कुछ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो जो ड्रॉ है कंप्यूटर में आपको पता है प्रोग्रामिंग करते हो तो कुछ आपको प्रोग्राम ऐसे फैसिलिटी आपको दिए जहाँ पे आप ड्राइंग एरिया इजीली काफ़ी टूल्स के साथ कर सकते हो. तो कंप्यूटर हेल्प इन फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग एंड इन वेरियस वेज. आर्किटेक्ट यूज़ कंप्यूटर टू डिज़ाइन हाउस एंड बिल्डिंग. इंजीनियर यूज़ देम टू डिज़ाइन कार्स, साइंटिफिक अपैरेटस एंड इक्विपमेंट्स. तो इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है. एंड जो फैशन डिज़ाइनर है वो भी अपने जो कॉस्ट्यूम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रॉ करेगी एक स्केच बना के,
फिर वो कैसा दिखता है, तो दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो डिजाइनिंग ऑफ गारमेंट बाय फैशन डिजाइनर. नाउ नेक्स्ट, इन शॉप्स एंड होटल. इन कंप्यूटर, इन शॉप्स एंड होटल कंप्यूटर आर यूज. ओके, सो कीप रिकॉर्ड ऑफ आइटम. तो इन शॉप हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर इन योर शॉप्स. ओके, और इन होटल्स यू कैन यूज कंप्यूटर. यू कैन जनरेट बिल. होटल में जब कोई आता है या शॉप में कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसको बिल से पता चलता है कितना पेमेंट देना है. होटल में कितना अपने फूड है वो ऑर्डर किया, और फूड पर आइटम उसका प्राइस एंड टोटल प्राइस. कीप सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज. तो आपके होटल शॉप में भी और होटल में भी, दोनों में भी एम्प्लॉय अगर वर्क करते हैं, होटल में तो ऑब्वियसली होते हैं, शॉप में एक या दो अगर बड़ी शॉप है तो उस हिसाब से, तो उनका भी रिकॉर्ड कि उनको कितनी सैलरी मिलती है. मैनेज डाटा ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर. और कुछ कस्टमर है कई बार पैसे नहीं देके जाते हैं, या कुछ आपके रिलेटिव्स ऐसे कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उसका पैसे है वो अभी दिया नहीं है, तो एक उसका भी लिस्ट है वो कंप्यूटर में सेव करके हम रख सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूटर वी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स. सो एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ PDF. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.